गांव में कब से बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आप देख सकते हैं कि पेड़ों की हरियाली जो है बरकरार है। और जब हवा आती है ना तो ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे शहरों में होता है हवा चलती है तो लू लगती है, यहाँ पर जो है पेड़ हैं और पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तो बारिश और दूसरा बंदरों का इतना आतंक है, तो उन्होंने ये पेड़ पौधे जो भी हैं इनको तोड़ तोड़ के इनका ऐसा नाश कर दिया। और 2400 घंटे इसी रास्ते पे, मतलब जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ इसके बाई साइड में जो पेड़ दिख रहे हैं, इतने बंदर होते हैं ना और घरों में भी घुस जाते हैं। और अकेला इंसान जो होता है ना तो अकेले इंसान को तो काटने भी आ जाते हैं, तो हाथ में एक डंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं तो लकड़ी भी लेके जा रही हूँ और बेटे के हाथ में लकड़ियाँ, और आप पेड़ों में देख सकते हैं कि कितने सारे बंदर हैं, इतना परेशान कर रखा है उन्होंने। तो बताओ अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है अपनी खेती में कुछ बोता है तो बीज को सिर्फ डालना है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, जो भी है सब बंदर उसे खा जाते, बहुत परेशानी है। हमने छत पे पानी डाल दिया है और इधर आप देख सकते हैं बंदर कितने सारे, पूरे दिन भर ये ऐसे परेशान करते हैं। आ पानी पीना तेरे को, पूरी छत फैल जाते हैं, 200, 250, 300 की संख्या में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखना, वो देखो पूरे भरे पड़े पेड़ों में, नीचे दौड़ रहे इधर। ये जो बैठा है यहाँ पे डराने आ रहा है मेरे को, ये देखो बच्चा भी है इसके साथ में, वो चल पड़ा अपने बच्चे को लेके, इधर से आ गया वो देखो। भाग 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 भाग, आज सब इधर ही आ गए। देखो सुनो इनकी आवाज, देख रहा पानी को, पूरे फैल गए इधर। ले 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 ले, आले बकरी आले आले, आले बकरी आ जा सर, आले बकरी आले आले आले, जा हवा करी जा जा, दी तीन भैया पछिन में रहेगी हूँ, अरे बिरुआ आई हूँ रहेगी ते बकर, आली ली 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 ली, आली बकरी आली आली आली, डाली डाली फूलों, आली बकरी आली, तुझको बुलाए जा पैंट दे बामो शायद हो, पैंट पीसे दो, जा पैंट जहाज में पिए, मैं का मैं जब घर जाओ पान पी का तेलो वार जा जाओ जा ये हलीपुर होती से तुम्हारा आ गई हूँ। अच्छा ये आगिन में ती प्रधान है ना लियो आ ले 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 आ ये खारा कांटे वाला पौधा देखो कैसे, वो भी कांटे वाले जो खा रहा है इसको बोलते करूज, वो भी खा रहा है उधर, बकरी बकरी खा रही है, खाओ खाओ। बकरी ले 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 ले, अभी सुबह के 9:30 बजे, तो इससे पहले की जो वीडियो है वो सुबह की है, मैं गई थी अपने नए वाले घर पे, तो आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि जब से मैं गांव आ रखी हूँ तो रोज़ जा रही हूँ मकान पे जो नया घर बन रहा है, और आप लोगों को दिखाया कि कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आधे किलोमीटर की दूरी है नए घर में और पुराने घर में, तो गाँव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत इतनी गर्मी हो गई, अभी तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मतलब गांव में ऐसा होता है ना कि पेड़ की छाया में अगर हम बैठ रहे हैं तो लू नहीं चलती, मतलब वहाँ पे ठंडी हवा लगेगी, लेकिन घर के अंदर रहना इतना मुश्किल, बहुत भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को वहाँ जाते, मतलब मैं कभी दिन के 3 टाइम कभी 2 टाइम, मतलब 2 टाइम तो डेली है, मक्खियाँ भी गाँव में इतनी ज़्यादा है ना, बहुत परेशान कर रही, तो जा रही थी। तो मेरे को आज कल रात से मुझे लग रहा था कि मुझे
बुखार आने वाला है। तो आज मेरे पूरा बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द और बुखार जैसा हो गया। तो मैं वहाँ से आ गई, मैं 8 बजे आई, मैं सुबह गई थी 5:45 बजे। तो 8 बजे आके फिर मैंने नाश्ता बनाया घर पर। नाश्ता बनाने के बाद मैंने एक पराठा खाया है और एक गोली खाई, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ गई है मेरी सासू जी, वहाँ पे वैसे ज़्यादा काम तो कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा देखना होता है, कुछ कुछ काम करने वाले वहाँ पे हैं हमारे। तो अब मैंने गोली खा के थोड़ी देर लेट हूँ, फिर बनाना है दिन का खाना। तो बुखार आने की वजह से मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बनाया, नहीं तो गाँव के तो इतने सुंदर नज़ारे होते हैं। तो ये अभी मैं अपने घर में बना रही हूँ, तो आप गाँव का घर देख सकते हैं। गाँव के घर में होता, अभी मैंने बहुत सारे कपड़े यहाँ से सब धो दिए हैं, क्योंकि लटका के ना ऐसी गंदे हुए थे। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 तौलिए हैं, आप एक अंदर से एक बाहर से। ये बेल्ट बच्चों के पापा की, तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े लटका रखे थे, तो मैंने सारे धो धा के वो रख दिए हैं। और पूरे घर में ऐसे गुजरी जाती है, ऐसे गाँव में होती है, पर अब पहले से थोड़ा सा गांव में चेंज आ गया लोगों के घरों में। जैसे लोगों के घर पक्के मकान हो गए हैं और खेतीबाड़ी का काम कुछ है नहीं, तो घर की जो सुविधा है उन्होंने और अच्छी कर दी है, क्योंकि काम होता नहीं। तो गांव में इस तरह का सामान सारा फैला रहता है, मतलब कहीं भी कुछ भी ऐसे। फिर सासू जी भी ऐसे बूढ़े हो गए, तो वो भी इतना साफ़ सफाई या कुछ ऐसा नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा बेडशीट जो भी है इनको धोऊंगी। एक कमरा और है हमारा, मतलब ये है बतेर नीचे, उसको बोलते हैं हम गोर, जहाँ पे खाना बनाते हैं। अब तो सिर्फ वहाँ रोटी बनती है, नहीं तो सब कुछ हमारा गैस का चूल्हा है, वहाँ पर 2 सिलेंडर वो रखा हुआ, वहीं बनता सब कुछ। तो और एक कमरा हमारा और है, तो वहाँ तो हम जाते भी नहीं, मेरे को तो वहाँ जाना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि इसी घर में रहने की आदत है। और भयंकर वाला बुखार आ गया, सर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, सुबह में से उठा नहीं जा रहा था, पर मैंने कभी वहाँ पर जाना जरूरी है। तो वहाँ गई, वहाँ पर जो भी कार्य था थोड़ा बहुत करके आई, और पूरी खा के थोड़ा करते हो रेस्ट। तो जो भी मैंने कहा छोटा सा वीडियो बनाती हूँ आप लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, अपने को पहुँचाने के लिए, आपके साथ मिलने जुलने के लिए। तो ये वीडियो मैंने अपने घर पर बनाया। अगर शाम को तबीयत ठीक रही तो शाम को जाऊंगी वहाँ, और आज मैं शाम को अगर ठीक रही तो मैं जंगल की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी गाँव जब से आ रही हूँ ना, बस एक ही रास्ते पे जाती हूँ उधर ही, क्योंकि काम भी वहीं पड़ जाता है। और जंगल की तरफ अगर गई तो मैं जंगल की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जंगल में जो कीड़े पतंग की आवाज़ होती है, चिड़ियों की आवाज़ होती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।